चले खुशबू जहां घुली है हवाओं में, थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागल पंजीन में, कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। बसा एक शहर जो कभी चारों तरफ से केवई के फूलों से घिरा होता था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा केवीमा, जिसे आज कोहिमा के नाम से जाना जाता है। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे सुंदर शहरों में से माना जाता है। आज अपने सफरनामा के साथ मैं आ पहुंची हूँ कोहिमा, इस खूबसूरत शहर को और नजदीक से जानने के लिए। कोहिमा देश के और भागों से बहुत अलग रहा है। यहाँ के मैक्सिमम पार्ट पर ज्यादातर नागा ट्राइब के लोग रहते आए हैं। 1840 में ब्रिटिश यहाँ आए थे, जिन्होंने नागा ट्राइब के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना किया था। कोहिमा में टूरिज्म की बात करें तो ये शहर टूरिस्ट को देता है पैक फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मैग्निफिसेंट लैंडस्केप्स, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड आरे ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ, उमड़ते घुमड़ते बादल और महकी हुई यहाँ की साफ हवा टूरिस्ट के लिए कोहिमा को बेहद खास बना देती हैं। नागालैंड की पहली लुक मुझे अपने होटल के रिसेप्शन से ही मिल गई। यहाँ का रिसेप्शन एरिया बिल्कुल नागा स्टाइल हट की तरह बना हुआ है। ये केन फर्नीचर कितना सुंदर है और ये यहाँ की स्पेशलिटी है। ओ माय गॉड, आर दे रियल? मैंने इतने सुंदर ऑर्किड्स अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे और ये नागालैंड के ऑर्किड्स हैं, यानी कि लोकल ऑर्किड्स हैं और इन्हें नागा ओरिएंटल ब्लूम्स के नाम से भी जाना जाता है। इतने सुंदर ऑर्किड्स मैंने और कहीं नहीं देखे। ये कोहिमा के लोकल ऑर्किड्स हैं और ये सिर्फ यही पाए जाते हैं। माय गुडनेस, दे आर सो ब्यूटीफुल। कोहिमा चर्च में कुछ समय शांति से बिताकर मैं चल दी हूँ नागालैंड के इतिहास के बारे में जानने के लिए। और किसी भी जगह की हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है वहाँ का म्यूजियम, जहाँ आपको उस जगह की हिस्ट्री और कल्चर सब पता चल जाएगा। मैं नागालैंड पहली बार आई हूँ और ये कोहिमा में मेरी पहली विजिट है, तो इस जगह को अच्छे से जानने के लिए और समझने के लिए मैं विजिट कर रही हूँ स्टेट म्यूजियम। नागालैंड में 14 ट्राइब्स हैं और उनकी अलग अलग टेक्सटाइल हैं जो मैं यहाँ देख सकती हूँ। कोहिमा स्टेट म्यूजियम नागालैंड की अलग अलग ट्राइब्स और उनकी हिस्ट्री और कल्चर को बहुत ही नजदीक से जानने का मौका देता है। ये म्यूजियम नागालैंड गवर्नमेंट ने 1970 में बयावू हिल्स पर बनाया था। इस म्यूजियम में नागा लाइफ और ट्रेडिशंस के सभी एस्पेक्ट्स को शो किया गया है। यही नहीं, उनकी कला और कलाकृतियाँ, प्राचीन हथियार, रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े, सभी कुछ यहाँ देखा जा सकता है। ये टिपिकल नागा किचन है
और यहाँ मैं देख सकती हूँ उनकी सारी बिलोंगिंग्स और कैसे वो कुकिंग कर रहे हैं अपने घर में। ये इनका ट्रेडिशनल रेनकोट है जो कि बैम्बू लीव से बनाया गया है। नागालैंड में 16 अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं और सिग्नेचर हैट जो उनकी अपनी अलग पहचान दिखाते हैं। सभी की वेशभूषा देखकर ट्राइब को पहचाना जा सकता है। यह म्यूजियम में सभी ट्राइब्स के कपड़ों को डिस्प्ले किया गया है। यही नहीं, नागा ट्रेडिशनल हट्स जिन्हें मोरोंग कहा जाता है वो भी यहाँ देखी जा सकती हैं। कैसे पुराने जमाने में नागा लोग रहते थे, काम करते थे, उनके क्राफ्ट्स सब कुछ यहाँ देखे जा सकते हैं। नागास, द फाइटर्स, द सोल्जर्स, द हेड हंटर्स और बहुत ही शक्तिशाली लोग, उनके ग्लोरियस पास ने हमेशा ये साबित किया है कि वे वॉरियर्स हुआ करते थे। ये सब एक्सकवेशन में पत्थर, पुराने पॉट्स और ट्राइब की जो ज्वेलरी है उनको यहाँ डिस्प्ले में रखा गया है। म्यूजियम के इस सेक्शन में मैं देख सकती हूँ जो सामान खुदाई में एक्सकवेशन में निकला है, जैसे कि पॉटरी है, ज्वेलरी है, शार्पनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे नाइफ तेज किया जाता है, वो सब यहाँ रखा हुआ है। वर्ल्ड वॉर टू के समय जब जापान ने कोहिमा पर अटैक किया तो ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर नागा सोल्जर्स ने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया और जापानीज को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कोहिमा स्टेट म्यूजियम में रखे उस समय के हथियार आज भी उनकी शौर्य गाथा सुना रहे हैं। और इस भाले से टारगेट हिटिंग गेम खेला जाता है, यानी कि निशाना लगाया जाता है। सो बहुत से गेम हैं, उन्हें पुराने जमाने में ट्राइब्स कैसे खेला करती थी वो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे इनके ऊपर खड़े होकर डांस किया जा सकता है, हाई जंप ओवर शार्प ड्रैगन। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि कैसे नागा ट्राइब नाइफ के ऊपर हाई जंप कर रहा है। ये हाई जंप और ये टारगेट किकिंग। सो हाई, सो ये देखने के बाद एक बात तो मुझे पता चल गई कि नागास वर वेरी वेरी स्पोर्टी पीपल। यहाँ कोहिमा म्यूजियम में आकर मुझे नागा ट्राइब्स के कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में इतने करीब से जानने का मौका मिला। ये जानने को मिला कि यहाँ का इतिहास कितना गौरवशाली है। When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. ये lines हमारे देश के जवानों की शहादतों की सच्चाई को बयान करती हैं, जो हमारा कल सुरक्षित रखने के लिए हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। मैं हूँ कोहिमा वॉर मेमोरियल में। ये वॉर मेमोरियल इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स को डेडिकेटेड है जो बैटल ऑफ कोहिमा में शहीद हुए थे। ये वॉर जापानीज से नागालैंड को बचाने के लिए लड़ी गई थी, जिसमें 10,000 ब्रेव सोल्जर्स ने अपनी जान दे दी थी। कोहिमा वॉर सेमेटरी डेडिकेटेड है ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स को जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में अपनी जान दी थी। यहाँ उन सभी 10,000 सोल्जर्स के नाम इंस्क्रिप्टेड हैं।
1944 में ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर का यहाँ बंगला हुआ करता था। जब जापानीज फोर्स ने यहाँ अटैक किया तो ब्रिटिशर्स और इंडियन सोल्जर्स की उनसे हैंड टू हैंड फाइट हुई। उस वॉर में बंगला तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उस वॉर की याद में ये टेनिस कोर्ट आज भी यहाँ बनाया हुआ है। चर्च की तरह यहाँ वॉर मेमोरियल में भी बहुत शांति मिलती है, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। यहाँ फैली शांति किसी के भी दिल में अपने देश के लिए जोश जगा देती है। देश के लिए मर मिटने वालों का रुतबा हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं नतमस्तक हूँ उन सभी जवानों के लिए जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। कोहिमा वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन कर मैं चलती हूँ नागालैंड के आर्ट और क्राफ्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं जा रही हूँ मेड इन नागालैंड, यानी कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो नागालैंड में बनाए जाते हैं उन्हें खरीदने जा रही हूँ। एंड आई एम गोना बाय सो मेनी थिंग्स, और इसलिए मैं अपना पर्स भी कैरी कर रही हूँ। You can put your mobile inside and play the music. Lilika from Timapur, she's a designer and she studied all this from London. And now she came up with this kind of idea. This is Our Lady. Our tribe, yeah. And this one is Jagasang. This is also a lady, yeah. These are all the dolls from all the tribes? Yes, yes. And we, here we have some accessories section. Mm-hmm. We have, this is fridge magnet. We have diary, envelopes and all for gift item. We have some accessories earrings, and this is for home decor, which is embroidery. मैंने जो ये ड्रेस पहनी है ये आओ ट्राइब की है, इसको मेखला बोलते हैं, और ये मैंने उनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी है। एंड दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। मैं सारे प्रोडक्ट्स मेड इन नागालैंड पहने हुए हूँ। आई एम अ प्राउड नागा वुमन नाउ। So we called it as Naga Tau. Every warrior used to carry this, every man. Yeah. Not for women, but for men. This Naga spear. For our self-defense. Yeah. Our forefathers used to carry this whenever they go for a war. Kind of war. Yeah, any kind of war. ये store काफी बड़ा है, और यहाँ नागालैंड के traditional कपड़े, craft, ornaments, bags, सजावट का सामान, ऑर्गेनिक चीजें, अचार, चटनियां और भी बहुत कुछ यहां आपको अंडर वन रूफ मिल जाएगा। वाकई नागालैंड के बने ये प्रोडक्ट्स बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक हैं। मन करता है कि मैं सब कुछ यहां से ले जाऊं। ट्रेडिशनल चीजों की खरीदारी तो काफी हो गई, अब क्यों ना यहां के लोकल आर्टिस्ट की आर्ट को भी देखा जाए। The beauty of Naga culture. Naga culture को समझने के लिए उसकी आर्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। And specially for me, क्योंकि मुझे आर्ट बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ की आर्ट गैलरी में to experience some amazing art.
नागालैंड बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएटेड है आर्ट से। यहाँ पे वर्ल्ड के रेनाउंड आर्टिस्ट रहते हैं। मैं हूँ कोहिमा में और इस आर्ट गैलरी में बहुत अमेजिंग मास्टरपीसेस देख सकती हूँ। This amazing wooden art is made by Lalu Ponjan. Lalu Ponjan एक बहुत ही famous wooden art बनाने वाले artist हैं। वो sculptures और paintings सभी तरीके का artwork बनाते हैं। और यहाँ के बहुत बहुत famous artist हैं, जिनका नाम है बुदी थापा। ये उनका work है। बुदी थापा एक वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट हैं और बहुत स्पिरिचुअल पेंटिंग करते हैं और वो ज्यादातर नागा ट्राइब्स पर बेस्ड होती हैं। हिस्ट्री की कई परतों में बसी एक धरती, जहाँ के खुश मिजाज लोग पूरी शिद्दत से अपने कल्चर को बचा कर रखे हुए हैं। डांसर्स, वॉरियर्स, हेड हंटर्स, माउंटेन्स, वैलीज, फॉरेस्ट, अगर इन सब की बात करो तो दिमाग में फौरन नागालैंड आ जाता है। लेकिन आज नागालैंड एक मिस्ट्री लैंड से ग्लोबली फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दुनिया भर से लोग यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते हैं। मेरी नागालैंड की जर्नी भी बेहद खूबसूरत और लर्निंग एक्सपीरियंस रही। यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस सभी कुछ कलरफुल और वाइब्रेंट है। ऐसा राज्य जो 16 ट्राइब्स का घर है, 16 ट्राइब्स जिसमें हर ट्राइब की अलग संस्कृति, संस्कार और अपनी अलग भाषा है, जहाँ के बच्चे अपनी पुरानी पीढ़ियों के किस्से कहानियाँ सुनकर बड़े होते हैं और जिंदगी जीना सीखते हैं और फिर वही कहानियाँ अपनी आने वाली नई पीढ़ी को भी सुनाते हैं। कुछ ऐसा है नागालैंड। नागा लोगों की धरती नागालैंड, जिसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। नागालैंड सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं है, नागालैंड की सोल को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको करीब से जानने के लिए तो चलिए मेरे साथ सफरनामा में और एक्सप्लोर कीजिए द मोस्ट मिस्टिक एंड मल्टी लेयर्ड नागालैंड को। ये तो ऑलमोस्ट पूरा नागालैंड पहाड़ों पर ही बसा है, लेकिन नागालैंड का सबसे बड़ा शहर प्लेन्स पर बसा है और वो है दीमापुर। दीमापुर को नागालैंड का एंट्री गेट कहा जाता है और नागालैंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट यहाँ दीमापुर में है और यहीं पर है ASI प्रोटेक्टेड कचारी रुइंस। मिडिल एज में दीमापुर दिमासा कचारी रूलर्स की कैपिटल हुआ करता था। ये किंगडम तीन तरफ से दीवार से और एक तरफ से नदी से घिरा हुआ था।
इसलिए यूरोपियन स्कॉलर्स ने इसे ब्रिक सिटी का नाम दिया था। तिमसा कचारी रुइंस एक हेरिटेज साइट है जो कि नागालैंड के दीमापुर शहर में सिचुएटेड है। दीमापुर का ये कचारी रुइंस किसी भी आर्ट और हिस्ट्री लवर को अपनी तरफ जरूर आकर्षित करता है। वैसे दीमापुर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सेंचुरी एडी से पहले दीमापुर कचारी ट्राइब की एंशियंट कैपिटल हुआ करता था। आज भी यह कचारी किंगडम की ग्लोरी इन रुइंस के रूप में बिखरी हुई दिखाई देती है। हमारी हिस्ट्री बताती है कि ये मशरूम डोम्स तिमासा कचारी रूलर्स ने बनवाए थे। अहोम इन्वेजन के दौरान इन पिलर्स के काफी हिस्से डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन इन पिलर्स के ओरिजिन और एग्जिस्टेंस का रीजन अभी एक मिस्ट्री है। ऐसा माना जाता है कि ये पिलर वेल्दी आर्यन सिविलाइजेशन को सिंबलाइज करते हैं। इन पिलर्स पर देवी देवताओं की और जानवरों की इमेजेस देखी जा सकती हैं। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, दीमापुर के साथ महाभारत काल की विरासत भी जुड़ी हुई है। कहते दीमापुर कभी हिडिंबापुर के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में इस जगह हिडिम राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहा करते थे। यहीं पर हिडिंबा ने भीम से विवाह किया था और इसी जगह पांडवों ने अपने वनवास के समय काफी समय बिताया था। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग तिमासा ट्राइब के हैं, जो खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानते हैं। ये मशरूम शेप डोम पिलर्स बहुत ही इंट्रीगिंग और मिस्टीरियस लगते हैं। अगर इन्हें ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि ये शतरंज के मोहरे हो। दीमापुर में ही हिडिंबा की राज्यवाड़ी में है ये एंशियंट कचारी रुइंस, जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इस कैंपस में रिजर्वॉयर है, मंदिर है और थोड़े वाटर टैंक्स बने हुए हैं। बट दिस प्लेस इज रियली रियली अमेजिंग। यहाँ के लोगों का मानना है कि भीम और उनका पुत्र घटोत्कच इन मोहरों से शतरंज खेला करते थे। ये डोम शेप पिलर यहाँ पूरे प्रिमाइस में हर तरफ बिखरे नजर आते हैं। बीच में करीब 22 फुट ऊंचा मैसिव पिलर भी है। नागालैंड को जानने की मेरे सफर की शुरुआत यहाँ के इतिहास से हुई। कितना कुछ है हमारे इतिहास में जानने के लिए और गर्व करने के लिए। और अब मैं इस सुनहरी यादों के साथ चल पड़ी हूँ अपने अगले पड़ाव पे, जो है किगवामा विलेज। नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा से बस आधे घंटे की ड्राइव करके मैं पहुंच गई किगवामा विलेज, विच बिलोंग्स टू अंगामी ट्राइब। और यहां एंटर करते ही मुझे मिल गए तो छोटे से प्यारे से दोस्त। किगवामा का मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ हाउस। ये विलेज सबसे ओल्डेस्ट इनहेबिटेड विलेज में से एक है। मैं किगवामा विलेज में हूँ, जो कि अंगामी डोमिनेटेड ट्राइब का विलेज है। ये विलेज बहुत ही सुंदर सा है, छोटा सा है, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनिक है। आजकल की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, यानी कि बहुत ही सादगी से बना हुआ सिंपल ओरिजिनल नागा विलेज है। बट लुक एट दिस डोर, इस तरीके की डोर नागालैंड की हर विलेज में है। ये डोर 1920 में बना था। व्हाट्स योर नेम? अविशा। अविशा,
सो ये अविशा है और आपका नाम किलोपर। अविशा किलोपर मेरे को किगवामा विलेज दिखाएंगे, चलो। नागालैंड के हर गांव में ऐसे लकड़ी के बने बड़े बड़े पुराने दरवाजे देखे जा सकते हैं। पहले हर नागा गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए हर गांव के इर्द गिर्द पत्थरों की दीवार या फिर लकड़ी की फेंसिंग बनाई जाती थी और गांव के एंट्रेंस पर लकड़ी का एक बड़ा सा दरवाजा बनाया जाता था जो सिंगल वुड का बना होता था। इस दरवाजे पर गांव के ट्रेडिशनल सिंबल्स क्राफ्टेड होते थे और अब जब इंटर ट्राइबल वॉर बंद हो गई तो विलेज को इस तरह से प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए अब ये दरवाजे यहाँ के ट्रेडिशन को अलाइव रखने के लिए लगाए जाते हैं। कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत से खूबसूरत विलेजेस हैं जिनको एक्सप्लोर करना जरूरी है। अगर आपको नागा कल्चर देखना है और उनका रहन सहन देखना है तो इन खूबसूरत विलेज से ज्यादा बेटर जगह नहीं हो सकती। किगवामा विलेज में ट्रेडिशनल होम्स और लोकल आर्किटेक्चर को करीब से देखा और समझा जा सकता है। इन घरों में सेंचुरी से लोग रहते आए हैं और आज भी वैसे ही ट्रेडिशनली रह रहे हैं। यहाँ जितने भी हट्स हैं उनकी रूफ टीन से बनी हुई है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो केन की बास्केट्स हैं इनका ट्रेडिशन बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ पे केन का फर्नीचर बहुत अच्छा मिलता है। बैम्बू और केन से बनाई हुई यहाँ सारी चीजें हैं। कोहिमा के आसपास कई ऐसे छोटे छोटे विलेजेस हैं जहाँ नागालैंड की कल्चर की असली झलक देखने को मिलती है। किगवामा विलेज उन्हीं में से एक है। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर ये ट्रेडिशनल विलेजेस ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह लगते हैं। अपने ट्रेडिशन को उनके रूट्स तक फॉलो करने के साथ साथ यहाँ के लोग बेहद रिलीजियस होते हैं। किगवामा विलेज को बाय बोलने का टाइम आ गया है और अब टाइम है दूसरे विलेज को एक्सप्लोर करने का। बाय बाय। Bye. Such friendly people. आपने देखा कि ये गांव कितना छोटा है लेकिन कितना साफ सुथरा है और कितना ऑर्गेनाइज्ड है। किगवामा विलेज में मुझे नागालैंड की रूट्स का एहसास हुआ। आई एम श्योर आपको भी हुआ होगा। इस खूबसूरत फीलिंग के साथ मैं चल पड़ी हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है जाखमा विलेज। और विलेजेस की तरह नागास की मल्टीफेसेटेड लाइफस्टाइल को देखने का एक अच्छा मौका मिलता है जाखमा विलेज में। मैं हूँ जाखमा विलेज में जो कि कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये जाखमा विलेज का प्लेग्राउंड है और यहाँ पे ये टिपिकल नागा हट्स बनाई हुई हैं। ये इसलिए बनाई गई थी
क्योंकि यहाँ 1 से 10 दिसंबर को नागालैंड का सबसे बड़ा कल्चरल और यूनिक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल. सो इफ यू प्लान टू बी इन नागालैंड, दैट्स द टाइम टू बी हियर. हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसमें भाग लेने देश विदेश से ढेरों टूरिस्ट यहाँ आते हैं. यहाँ के कल्चर को करीब से जानने का ये फेस्टिवल सबसे अच्छा मौका होता है. और जाखामा में बनी इन ट्रेडिशनल नागा हट्स को देखकर मैंने तो फैसला कर लिया कि अगले हॉर्नबिल फेस्टिवल के समय मैं नागालैंड जरूर आने वाली हूँ. नागा हट बैम्बू रूफ से बनाई जाती हैं और इन पे वुडन प्लैंक्स पे आर्टवर्क किया जाता है. आर्न दे ब्यूटिफुल? जाखामा विलेज में अलग अलग ट्राइब्स की हट्स देखने के बाद मैं चलती हूँ नागालैंड के एक बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट ज़ुको वैली की तरफ जो कोहिमा से करीब 30 किलोमीटर दूर है. ज़ुको वैली जाने के लिए विस्वामा विलेज से टर्न लेना होता है. वहाँ से मुड़ते ही मेरे चारों तरफ का नज़ारा ही बदल गया. नेचुरल ब्यूटी यहाँ हर कदम पर बिखरी पड़ी थी जो मुझे बार बार रुक जाने के लिए मजबूर कर रही थी. ज़ुको वैली जाना बहुत आसान नहीं है. एक्चुअली ज़ुको वैली जाने के लिए हमें कम से कम 8 किलोमीटर्स तक चढ़ाई चढ़नी होगी और उसके बाद कहते हैं अबाउट 6 आवर्स ट्रैक के बाद यू गेट टू सी द मोस्ट अमेजिंग विजुअल्स. वेल आई एम गोइंग टू सी कि मैं कितना चल सकती हूँ. ज़ुको वैली ट्रैकर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. ये वैली सी लेवल से 248 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ से वैली का ब्रेथटेकिंग व्यू मिलता है. बहुत सारे ट्रैकर्स और बैकपैकर्स खाने और पकाने का सामान लेकर ट्रैक पर जाते हैं और एक रात वैली में बिताकर वापस आते हैं और उनकी साथ होती है यहाँ की डिवाइन ब्यूटी की यादें. ऐसे ही कुछ ट्रैकर्स से रास्ते में मेरी मुलाकात हुई. Where are you from, all of you? Different parts of India. How many parts of India? Oh, okay. From Mumbai? No, like I'm from Allahabad, UP. Achha. From MP. They both are from Delhi. Wow. He's from Rajasthan. Wow. Yes. We have a professor from Manipur. So we were like, sir, we have this weekend. So we want to like go somewhere and the place should be not like, you know, the cliche Cherrapunji type. So he was like, you can go to Zuku and you'll also get time to, you know, you'll get the exposure to trek. So we are here, yeah. Yeah, it's a beautiful trek, I believe. So you guys enjoy. Ziggo Valley is definitely so beautiful. So before ending, and you suggest us a place, like a trippy place that you have explored till now. Oh yeah, here? Yeah. You've gone to Majuli, I just heard. Yeah. Right? Yeah, Majuli is so beautiful. Cool. I'm so excited I'm going to Ziggo Valley, guys. And I'm also looking forward for this. But I believe along. We'll be having coffee there. Oh, you got your coffee, everything? Not coffee actually, but ready to cook food. Ready to cook food. Yeah. And how are you going to cook? We got those stoves and we have our things. Yeah? Yeah. But we have a bit of things are there and dress necessity is the mother of invention. Yeah. लकड़ियों में आग लगा के इस पे खाना बनाना. That's fun. Enjoy your trip. Yeah. And have a good time, guys. See you. Bye. Thanks. तो मैं ज़ुको वैली पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ पर मुझे अपनी कार को छोड़ के ट्रैक करना होगा. But look at the view. It is so beautiful. और अभी मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से मिली हूँ जो कि ज़ुको वैली रुकने के लिए जा रहे हैं.
दे आर बैक पैकिंग टू जूको वैली, तो वो अपना खाने का सामान, वो अपने स्लीपिंग बैग्स, टेंट, सब कुछ लेकर आए हैं. आई थिंक दैट्स द वे टू ट्रैवल. सो इफ यू प्लान टू कम टू नागालैंड, डू दैट. ब्रिंग योर स्टफ विद यू, ब्रिंग योर टेंट्स विद यू, ब्रिंग योर फूड विद यू, एंड जस्ट एक्सप्लोर दिस अमेजिंग वैली. Every day I supply oxygen for up to 4 people. Don't you think I'm worth it? Absolutely. You are worth it, my friend. You give us life, you give us oxygen. और हम इन पेड़ों को काट देते हैं. सोचो. जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाती जा रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी और व्यू और भी सुंदर, और मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि जूको वैली से मिलने वाला व्यू कैसा होने वाला है. जूको वैली का ट्रैक आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पहुंचकर आंखें जो नज़ारा देखती हैं, दैट इज रियली इनकम्पेरेबल. यहाँ का नज़ारा देख जैसे आपकी आंखें बस खुली की खुली रह जाएंगी. यहाँ पहुंचने में जो मेहनत लगती है, बिलीव मी इट इज वर्थ टेकिंग. यहाँ की अनटच्ड और अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी आई एम श्योर सारी जिंदगी मुझे याद रहेगी. दीमापुर में एंशियंट स्ट्रक्चर को देखना खुद को इतिहास से रूबरू करने जैसा था, और किगवामा में नागालैंड की जड़ों को जानने का एहसास तो मेरे साथ सारी जिंदगी रहने वाला है. जाखमा विलेज और जूको वैली का चार्म का कोई जवाब नहीं, लेकिन आपने जो भी मेरे साथ देखा वो सिर्फ एक झलक भर है यहाँ की. नागालैंड को पूरी तरह से समझने के लिए आपको एक बार यहाँ जरूर आना होगा. नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये हिस्सा वाकई बेहद खूबसूरत है. अगले एपिसोड में मेरे साथ चलिए इंडिया के वंडरलैंड कहे जाने वाले मणिपुर की राजधानी इम्फाल. जो मौसम कोई भी हो, हमेशा खूबसूरत ही लगता है. तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे सफरनामा में. अगली बार तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. नमस्कार.